पहला विषय ये है कि आजकल रोज अखबारों में आम आदमी पार्टी की सरकार के ऐड के एक्सपेंडिचर पर खबरें छपती हैं। रोज कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी रोज इस पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं कि पिछले 3 महीने में 15 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने ऐड पर खर्च कर दिए। पिछले साल करीब हमारी सरकार ने 80 करोड़ रुपए ऐड पर खर्च किए थे। इस साल 3 महीने में 15 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो करीब करीब साल का जो एक्सपेंडिचर होगा वो 55 से 60 करोड़ रुपए खर्च होगा। आम आदमी पार्टी सरकार के ऐड की खर्चे की तुलना भारतीय जनता पार्टी की खर्चे से भी तुलना होनी चाहिए। आप ही लोगों ने 2014 के चुनाव के दौरान ये सारी खबरें करी थी कि ये 5,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने सिर्फ टीवी चैनल और अखबारों पर खर्च किए थे। 5,000 करोड़ रुपए आप लोगों ने लिखा था, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि कहीं भी कोई अखबार उठाइए, कोई टीवी चैनल खोलिए, सड़क के किसी भी कोने में जाइए, किसी भी चौराहे पर खड़े होइए, हर तरफ मोदी जी ही दिखते हैं। और ये आप लोगों का आकलन था कि जितने फ्रंट पेजेस, जितने सेंटर स्प्रेड्स और जितने टीवी स्लॉट्स मोदी जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान खरीदे थे, एक नंबर का पैसा सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, एक नंबर में 5,000 करोड़ रुपए। दूसरा, जब से मोदी सरकार बनी है तो उनका एक बहुत ही प्रिय कार्यक्रम है स्वच्छ भारत अभियान। भारत तो स्वच्छ नहीं हुआ लेकिन सरकार का खजाना जरूर स्वच्छ हो गया है। ये पिछले साल की आरटीआई की एप्लीकेशन है। एक साल के अंदर, मई 2014 में सरकार बनी थी और जुलाई 2015 तक 100 करोड़ रुपए सिर्फ मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत में खर्च किए थे। तो 2 साल में 200 करोड़ रुपए हो जाएंगे। ये सिर्फ विज्ञापन पर खर्च किया है स्वच्छ भारत अभियान। बाकी स्वच्छ भारत अभियान का अपना अलग बजट है जो करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। फिर मोदी जी ने योगा दिवस बनाया और अपनी सरकार की एक साल कंप्लीट होने पर एनिवर्सरी बनाई। सिर्फ एनिवर्सरी और योगा दिन बनाने पर एड्स पर, विज्ञापनों पर सिर्फ 2 दिन के अंदर 55 करोड़ रुपए खर्च किए। अभी खबरें आई हैं कि मोदी जी की सरकार ने करीब करीब 1,000 करोड़ रुपए और बाकी विज्ञापनों पर खर्च किए। तो दिल्ली सरकार के विज्ञापन पर अगर साल में 80 करोड़ रुपए पिछले साल खर्च हुए और इस साल करीब करीब 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे तो उसकी भी बात की जाए। उस पर रोज, हम लोग चाहते हैं कि रोज टीवी चैनल एक डिबेट करे और साथ में ये भी डिबेट करे कि मोदी जी अपने विज्ञापनों पर और मोदी सरकार अपने विज्ञापनों पर कितना खर्चा पिछले 3 साल में, 2 साल में करती आई है और कितना खर्चा कर रही है, तो जनता को भी पता चले कि कौन सी सरकार किस कामों पर कितना पैसा खर्च कर रही है। दिल्ली सरकार के ऐड क्या होते हैं? दिल्ली सरकार के ऐड होते हैं कि हमने नर्सरी एडमिशन में प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया, अब आप सभी लोग ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरिए और अपने बच्चों का एडमिशन ट्रांसपेरेंसी से, निष्पक्षता से कराइए। ये दिल्ली सरकार के ऐड होते हैं। दिल्ली सरकार के ऐड होते हैं कि अब सभी सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त और सारे टेस्ट मुफ्त होंगे। आप लोग अब जब सरकारी अस्पताल जाएं तो सारी दवाइयाँ वहीं पर मिले ये मांग करें और सारे टेस्ट आपके फ्री हों ये मांग करें, बाहर से एक पैसे की दवा ना खरीदें। दिल्ली सरकार का ऐड क्या होता है कि किसी भी सरकारी दफ्तर में अगर आपसे कोई 1 रुपये की भी घूस मांगे, MCT का कोई कर्मचारी, कोई JEE, दिल्ली पुलिस का कोई इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ASP, ACP, कोई आपसे 1 रुपये की घूस मांगे तो आप फौरन उसका स्टिंग करें और शिकायत दर्ज करें। ये दिल्ली सरकार के ऐड होते हैं। ये जनता के हित में है। जनता के हित में है कि बच्चों का एडमिशन,
सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा, सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त, करप्शन मुफ्त सरकार, करप्शन फ्री सरकार, की जनता के हित में ये हमारे ऐड होते हैं। तो वो सारे ऐड पर खूब चर्चा करी जाए और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के ऐड पर भी चर्चा हो, डिबेट हो, रोज खबरें छपे, हमसे भी आप 10 सवाल पूछें, लेकिन साथ में एक सवाल मोदी जी से भी आप जरूर रोज पूछें।